साड़ी नौजवान पीढ़ी जिहड़ी यूथ है वह पूरी तरह नशे विच फस चुकी, जिन्हों आप कह सकते हैं कि 70-80% यूथ जिहड़ा है वह नशे दे विच फस चुका है। अज दी डेट 2000 बच्चा रोज़ सिविल हॉस्पिटल दे विच दवाई खाता है। वह एस की सेंटर आउट सेंटर खोले ताकि उत्थे दवाई ले लैन कि टीके लाने छड़ दें, पर समस्या बढ़ती गई घटी नहीं है। अगर असी चाहते हाँ पंजाब दे यूथ नूं बचाना तो सानू फ्री नशा मुक्ति केंद्र खोलने चाहिए। जिहड़े बच्चे सिंथेटिक नशे वल लग चुके हैं, इंजैक्शन लग चुके हैं, उन्हां नूं HIV तो बचाने लई, बीमारियों तो बचाने लई उत्थों हटा के असी एडिनॉक या दूजियां गोलियां दे उत्ते आउट सेंटर दे विच जिहड़ियां दित्तियां जांदियां उहदे ते लाया जांदा। जो बच्चे ठीक हो जाते हैं उन्हां नूं रीहैबिलिटेशन लई दोबारा मुड़ वसावे लई किदे ने किदे सानू काम लाना चाहिए। जिन्हां नूं बुरी आदत लग चुकी आ नशे दे रिलेटेड, चाहे वह चिट्टा लेंदे ने, चाहे वह डोडे लेंदे ने, चाहे वह कोई भी तरह के ओपीओइड्स लै रहे ने, बेसिकली इट इज़ अ ओपीओइड सबस्टिट्यूशन थेरेपी। आपां उन्हूं गोलियां कह दिए उन्हूं लैके आपदे कम ते जाण जिदे नाल उन्हां नूं जिहड़ी उन्हां दी तोड़ आ वह महसूस ना होवे, विद टाइम जदों उन्हां दी मोटिवेशन होगी वह तो वीन ऑफ हो सकदे ने। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द समर न्यूज़, मैं हाँ तुहाडे नाल साक्षी। नशे की लत अज दे समय की गल करिए ते तकरीबन हर नौजवान नू लग चुकी है। सो नशे नू पंजाब तो हटाउण लई, नशा मुक्ति करन लई सरकार वल्लों कड़े कदम भी चुके गए। सो डॉक्टरां दा इस ते की कहना है, इस बारे अज गलबात करांगे। सो साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर कोतनीस हॉस्पिटल तो डॉक्टर इंद्रजीत टिंगरा, जो कि जानकारी देणगे जिन्हां नाल गलबात करदे आ इस अज दे खास मुद्दे दे उत्ते। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर, नशा अज दे टाइम दे विच एक इहो जिहा दौर आ चुका है कि नशे तो नौजवान प्रेरित हो रहे ने, नशे नाल नौजवान पीढ़ी जो है अपना फ्यूचर खराब कर रही है। पहले तो तुहाडे नाल इस चीज़ के बारे जानकारी लेना चाहवांगे कि सरकार दे बहुत प्रोजेक्ट्स आए नशे नूं लैके, नशे छुड़वाउण नूं लैके, किस तरह देखदे हो कि वह प्रोजेक्टां ते काम हो रहा है? पंजाब की जदों आपां गल करदे आ, अज सारे जानदे आ पंजाब दे विच साडी नौजवान पीढ़ी जिहड़ी यूथ है वह पूरी तरह नशे विच फस चुकी, जिन्हों आप कह सकते हैं कि 70-80% यूथ जिहड़ा है वह नशे दे विच फस चुका है। अज जो समस्या जिहड़ी है असी साडी समाजिक 30-35 सालों तो नशा मुक्ति दे उत्ते काम कर रही है। पहले साडे कोल लोग आंदे सी जो बजुर्ग होंदे सी, जो फीम डोडे वगैरह खांदे सी, उन्हां दे बच्चे जदों उन्हां नूं पैसे नहीं दे सकदे सी ते वह इस करके नशा मुक्ति वल कराउण लई आंदे सी। पर समय के अनुसार देखिया 2008 दे विच पंजाब दे विच HIV/AIDS की समस्या बहुत तेजी नाल घर करी, उहदी वजह नाल जिहड़ा है HIV सरकार नूं इह सोचण ते मजबूर होना पिया कि जो नौजवान पीढ़ी अगर नशे नहीं छड़ना चाहती ना छड़े, बट HIV तो इहनूं बचाउण लई सानूं कोई उपराले करना चाहुंदा। खास तौर पर उदों जदों गल चली सी कि लोग टीकियां राहीं नशे लैण लग पए सी, जदों टीकियां नाल नशे लैंदे सी तो सिरिंज जिहड़ी है शेयरिंग भी हुंदी सी, इक्को ही बच्चा दो पाँच छे छे बच्चे मिल के टीका लाते सी और एक बच्चे नूं कोई बीमारी होंदी सी तो 5-6 हो जाती। सरकार ने एक नवा प्रचा पंजाब एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने एक प्रोजेक्ट दिते सानू, जिहड़े इस टाइम दे विच पंजाब दे विच 62 दे करीब सेंटर चल रहे हैं जिथे विच निगल सिरिंज एक्सचेंज HIV प्रिवेंशन नूं बचाउण लई असी काम कर रहे हैं। जदों लुधियाने की असी गल करते हैं कि 26% जदों HIV/AIDS आई सी सारी दुनिया नूं एक बारी हाँ हैरानी हुई सी कि पंजाब दे विच AIDS भी है। अज उस AIDS नूं कंट्रोल नूं रोकिया जा सकिया, कुछ घटाया जा सकिया, पर अज कह दी कि नौजवान पीढ़ी विच नशे दा जिहड़ा प्रचलन सी वह घटिया नहीं, नंबर वधिया। असां जदों 2008 दे विच चले जाते हैं उदों साडे कोल 300-500 दे करीब बच्चा रजिस्टर सी, अज दी डेट 2000 बच्चा रोज़ सिविल हॉस्पिटल दे विच दवाई खांदा। सरकार ने की किया समय के अनुसार टीकियां तो हटा के उन्होंने सिंथेटिक नशे तो बचा के OST सेंटर आउट सेंटर खोले ताकि उत्थे दवाई ले लैन कि टीके लाने छड़ दें, पर समस्या बढ़ती गई घटी नहीं है। अज भी पिछे देखा उन्हें इंटरनेशनल डे के उत्ते साडे लुधियाने के DC साहब ने एक अनाउंसमेंट की सी कि 37 आउट सेंटर खोले जा रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार के अगे कि आउट सेंटर खोलना बहुत अच्छी गल है,
ताकि इन्हां नूं एच आई वी प्रिवेंशन तो बीमारियों तो बचाया जा सके। पर मैं ये चाहना कि ये बारे सानू ये नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, सबस्टीट्यूटर केंद्र के उपर तक कह सकते हैं कि वो टीकों की छक के सिंथैटिक नशे को छक के गोलियां के उपर आ जाए। पर अगर असी चाहते हाँ पंजाब के यूथ को बचाना तो सानू फ्री नशा मुक्ति केंद्र खोलने चाहिए जिथे इन लोगों को रख के 15 दिन महीना फ्री इलाज मुहैया कराना चाहिए, फैमिली काउंसलिंग करनी चाहिए है, बच्चों को काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि उन्होंने इस कोड़ जी जिंदगी तो हटाया जा सके। सर सरकार वालों जो समय अनुसार उपराले किए गए नशा छुड़ाने लैके जो तुम दवाइया की गल कर रहे हो, अज सर दवाइया ही एक नशा बनती जा रही है लोगों के जो सुनने के आ रहा है कि दवाइया भी मिल रही ने ब्लैक के भी मिल रही है, तो उस दवाई का ही एक लत लग रही है नशे को लैके, उसते तुम की कहना? मैं तो पहले भी दस कि नशा मुक्ति दवाई नहीं दी जाती, ये सबस्टीट्यूट सी कि जोड़े बच्चे सिंथैटिक नशे वाल लग चुके इंजैक्शन लग चुके उन्होंने एच आई वी तो बचाने लिए बीमारियों तो बचाने लिए उतो हटा के असी एडिनॉक या दूजिया गोलियां के उत्ते और सेंटर के जितिया जाते लाया जाता। हूँ समस्या है कि एक बच्चा है जो दिन 5 बारी टीका लाता या 3-4 बारी सिंथैटिक नशा लैंदा, वो दवाई तो इको टाइम दी जाती उत्थे सामने ही खवाई जाती है, तो उत्थे भी उन्होंने पुरानी पूरी खुराक ना मिलन दे करके वो अद्धा टाइम जदों तक पैसा नहीं है उस वेले जाके दवाइया खा लैंदा, जदों पैसा आ जाता वो बाहरों इंजैक्शन ला लैंदा, वो बाहरों चिट्टा ले लैंदा। उहदा लैण दा कारण है कि उन्होंने ये दस्या गया कि सिंथैटिक नशा लैण नाल इहदे नाल तुहाडी सैक्स की पावर वधेगी, फिजिकल पावर वधेगी, जिहड़ा तुहानूं बहुत जिंदगी विच मज़ा मिलेगा। उस चक्कर विच साडी नौजवान पीढ़ी जिहड़ी कि ना समझ है, जिन्हां नूं पूरी काउंसलिंग की लोड़ है, समझाने की लोड़ है, वो इस पासे फस जाती है। पर देखने आ रहा सिंथैटिक नशे नाल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यही जो बच्चे सिंथैटिक नशा लै रहे हैं 2-3 साल तो बाद फिजिकल वीकनेस भी हो जाती है, सैक्सुअल वीकनेस भी होती, वो अपने परिवार के योगे यही कारण है कि परिवार साढ़े टुट रहे हैं, डायवोर्स बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। धीरे धीरे नशा मुक्ति वाल बच्चों लै जाइए तो बहुत आसानी ना नशा मुक्त हो सकेंगे। आज पंजाब नूं बचाने की लोड़ है, नशा मुक्ति लई सानू हर उपराला करना चाहिए, समाजिक जथेबंदियों लैके नशा मुक्ति केंद्र फ्री खोलने चाहिए और उत्थे उन्हां दा प्रापर होना चाहिए और जो बच्चे ठीक हो जाते हैं उन्होंने रीहैबिलिटेशन दोबारा मुड़ वसावे कि सानू काम लाना चाहिए ताकि ये बच्चों ये भी ना लगे, क्योंकि जो बच्चा नशे तो बाहर निकलता लोगों को काम भी नहीं मिलता, तो अगर सरकार उन्होंने दोबारा काम देगी नौकरियां देगी तो वह नशा वाल नहीं जाके अपने परिवार को पालन में बहुत बड़ा योगदान पा सके। सरकार ते प्रशासन मिलके किस तरह इसते जो है काम होर करे ताकि नशे नू नशे तो नौजवानों नू छुड़ाया जा सके, ना कि इसके सब्सटीट्यूट ढूंढे जान कि इसकी जगह ये चीज़ दे दी जाए ताकि आ नशा छड़ा जा सके, तो उसकी जगह एक होर नशा ही लग रहा है एक तरह नौजवानों। मैं इतने एक सुजैशन देना चाहूँगा कि जेडे ग्राउंड के उत्ते जिहड़ियां प्रॉब्लम्स हैगियां जिन्हें भी प्रोजेक्ट सरकारां बहुत चाहदियां नशा छुटे, नो डाउट उत्थे बैठ के प्रोजेक्ट बनते हैं अच्छी तरह बनते हैं, अगर इन्हां प्रोजेक्ट नूं बचाने लई ग्राउंड के उपर जिहड़ी समाजिक जथेबंदियां कम कर रही उन्हां नूं भी नाल जोड़िया जाए तो ग्राउंड के उत्ते जिस तरह की प्रॉब्लम्स आदियाँ जो ये बच्चे नशा मुक्ति लई चाहते हैं अगर उस चीज़ नूं अडोप्ट किया जाए तो नशा मुक्ति छेती हो जाएगी और पंजाब नूं बचा सकांगे, ना कि साडे जिहड़े सीनियर अफसर है एसी रूम में बह के आपां प्रोजेक्ट बना दिंदे आ पर ग्राउंड दे उत्ते उन्हां प्रोजेक्ट नूं इंप्लीमेंट करन लगदे आ कई साल लग जांदे ने और उहदे विच जिहड़ी चीज़ां नुकसान होंदियां जिवें हुण गोली दा आ रहा है कि लोग सिंथैटिक कहिंदे चल यार अज पैसे है नहीं इस वेले जाके गोली खा ली। तुसीं इत्थे देखो कि मेरे कोल जिहड़े अजकल बच्चे रजिस्टर्ड हो रहे हैं वह 15-16 साल तो लैके 20-25 साल तक, उस तो बाद तो बच्चा जीन योग नहीं, यही सिंथैटिक नशा अगर बच्चे नहीं छड़दे तो 5-6 साल बाद इन्हां दी मौत भी हो जाती। अजकल भी देखिए आप मीडिया के तुहाडे भी न्यूज़ आदि कि कोई कितने ओवर ड्रगिंग ना मर गया, कोई कितने मर गया, उहदा रीजन यही है कि इन्हां नूं लोड़ है काउंसलिंग करन दी। ये बहुत वड्डे पद्धर ते सरकार नूं चाहीदा है जिहड़ी समाजिक जथेबंदियां काम कर रही उन्हां दा नाल सलाह मशवरा करके कुछ ठोस कदम चुके जाए ताकि पंजाब दी नौजवान पीढ़ी नूं नशा मुक्त किया जा सके।
सो लुधियाना सिविल होस्पिटल के डी एडिक्शन सेंटर के जो इंचार्ज ने ट्रीटिंग डॉक्टर ने अरविंद गोयल साढ़े नाल मौजूद है, गलबात करते हैं इसी मुद्दे पर। सर डी एडिक्शन पिल्स जो ने उसके उत्ते गल करना चाहवागी। डी एडिक्शन पिल जो एक सबस्टीट्यूट मनिया जाता है नशा छड़न का, सो सर इस सबस्टीट्यूट बारे पहला तो की कहना चाहोगे कि किस तरह जो है वर्क कर रहा है? देखो बहुत वधिया पंजाब सरकार दा या हेल्थ डिपार्टमेंट दा एक उपराला, जिहड़े जिन्हें भी अपने भाई भैन जिन्हां नूं बुरी आदत लग चुकी आ नशे दे रिलेटिड, चाहे वह चिट्टा लैंदे ने, चाहे वह डोडे लैंदे ने, चाहे वह कोई भी तरह के ओपीओइड्स लै रहे हैं, बेसिकली इट इज़ अ ओपीओइड सब्सटीट्यूशन थेरेपी, उसका नाम ही दसदा क्योंकि ओपीओइड नूं एक बदलाव के दवाई देती है जिहदा साइड इफेक्ट बहुत घट आ। तो बेसिक फंडा ये भी ताकि लोग एक तो नशा छड़ दें, दूजी गल आया भी वो एक पिल लैके आपदी जो आप गोलियां कह दी उन्होंने लैके आपदे काम ते जान, जिदे नाल उन्हां जिहड़ी उन्हां दी तोड़ आ वो महसूस ना होवे, विद टाइम जदों उन्हां दी मोटीवेशन होगी वो तो वीन ऑफ हो सकते हैं। जे वो नशा लेंदे रहणगे उहदे नाल उन्हां नूं बीमारियां ज़्यादा लगनगियां, तो बहुत ज़्यादा नूं तां जदों तक साडे कोल पहुँचते हैं वो लगियां भी हुंदियां ने बीमारियां। लेकिन कितने ना कि जी डी एडिक्शन पिल्स ने ये भी कह रहे हैं कि एडिक्शन होंगी जा रही है लोगों के, क्योंकि एक नशा छड़न एक तरह दूजा नशा ही है ये, तो इस दे उत्ते की जो है प्रशासन वालों या सरकार वालों तुहानू की लगता है कि एडिक्शन सेंटर खोलने चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरह नशा छुड़ाने एक नशा ही दे रहे हैं आप? देखो बिल्कुल थोड़ी गल सही आ, पर देखो बहुत सारे डॉक्टर नाल भी मेरी सलाह हुंदी रहिंदी आ, गलबात हुंदी रहिंदी आ, जिहड़े कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड डॉक्टर्स ने प्राइवेट दे विच भी सरकारी दे विच भी। देखो की है कि पहला जो बंदे ने नशे ते लग गया आपां नूं वह अमाउंट एग्जैक्टली नहीं दसदा, उहदे हो सकदा अंडरलाइंग कोई उहनूं साइकैट्रिक कोमोरबिडिटी होवे जिहदे करके उहनूं कुछ टाइम भी लग सकदा। एक जिहड़ा पेशेंट आ उह कोई भी कमाउंदा तां उह फॉलोअप जिहड़ा आपदा लूज़ कर दिंदा, प्रॉपर दवाई नहीं लैंदा जिन्नी उहनूं चाहीदी आ, फिर किते ना किते उहदा जिहड़ा सर्कल आ जिथे वह दुबारा जा जिथे आपदे यारां दोस्तां च बहिंदा सी वह फिर चलिया जांदा, जिस गल करके वह सेम अमाउंट ऑफ ड्रग या रिक्वायर्ड जिन्नी होर चाहीदी आ वह ज़्यादा लैना चाहिंदा, जिहनूं अजकल आपां कह दिंदे आ कि बंदा वह एक नशा बनता जा रहा। पर यह गल सही भी आ, तो जे वह ये चीज़ों तो दूर हो जाए जिहड़ियां कि चीज़ां मैं कह रहा जिवें कि किसी नाल आपदे सर्कल तो दूर हो जाए, क्योंकि डी एडिक्शन एक ग्रुप प्रोसैस आ जिस फैमिली भी इनवॉल्व आ, डॉक्टर भी इनवॉल्व आ, थोड़े एरिया थोड़ा पीयर ग्रुप इनवॉल्व आ, तो जदों इन चीज़ों तो दूर हो जूगा तो मैनूं लगता डी एडिक्शन वो छेती हो जूगी। सर डी एडिक्शन पिल्स की जो एक तो सिविल हस्पताल दे विच डॉक्टर्स अपने उहदे विच दिंदे निगरानी दे विच दिंदे, एक जो सर बाहर मिल रही ने ब्लैक दे विच मिल रही वह भी एक नशा बनता जा रहा, उहदे ते प्रशासन नूं की लगता लोड़ है इस ते सतर्क? देखो मैनू भी थोतों पता लग्या भी बाहर भी ब्लैक दे विच मिलदियां ने, पर तकरीबन लुधियाने दे विच 35 तो 40 प्राइवेट प्लस सरकारी डी एडिक्शन सेंटर ने, जिहदे चों सरकारी तो लुधियाणा समराला ते खन्ना ते रायकोट आ, ते इन्हां विच तां जिन्नी दवाई दे रही आ उहदा निगरानी दे विच ही दे रहे हैं, पर जिहड़ी बाहर मिलदी आ मैं इहदे उत्ते मैनूं लगदा भी छापेमारी करके जां जो भी बणदी आ उहनां नूं रोकणा चाहीदा तां मिसयूज़ ना होवे, होएगी क्योंकि ब्लैक दे विच विकेगी तो लोग नशे की तरह इहनूं जिद्दां तुसीं निगरानी च दिंदे हो पर वह टाइम नहीं देखणगे, पिल्स नहीं देखणगे, खाई जाणगे। मैनू लगता है अडल्टरेंट भी यूज़ हो रहा अजकल चिट्टे नूं वधाउण दा, क्योंकि वह भी चिट्टे रंग का हुंदा, इहनूं पीस के भी चिट्टा बन जाता, तो थोड़ी जी पेशेंट नूं किक मिलदी आ जो पेशेंट आके दसदे आ, पर जिहड़ी ब्लैक आ इहनूं जरूर रोकना चाहीदा। नौजवानां नाल असीं गलबात भी की ऑफ द रिकॉर्ड गलबात की कि उन्होंने यही कहा कि वह नशा छड्डना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कोल नशा छड्डन लई कुछ उपराले उन्होंने वालों सरकार वालों नहीं किए जा रहे जिस दे नाल वह नशा छड्ड सकन, सो सरकार ते प्रशासन नूं हुण सतर्क होण दी नशा छुड़ाउण दे विच बहुत जरूरत है। कैमरामैन इकबाल हैप्पी दे नाल साक्षी शर्मा, द समर न्यूज़।